की इस वीडियो में आप सभी को ग्रीस के कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि क्या डेट रहेंगे, क्या सैलरी रहेंगे और कौन से ऑफिस में आप लोग अप्लाई करेंगे। ये सभी चीज़ मैं आपको अभी क्लियर काफी दिनों से बताऊंगा। आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो शायद बीच में गैप हो रहे हैं, या अपने बारे में भी बताऊं तो रतन टाटा जब से गए हैं, यानी कि जब से अलविदा बोले हैं, तब से काफ़ी माइंडेड है, यानी कि काफ़ी दुखी आदमी है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादातर कामों में दिलचस्पी नहीं हो रही है, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, और उनके बारे में बहुत बखान भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं। और थोड़ी बहुत बता दें भी कि उनके जैसे मेरे ख्याल से दोबारा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं हो सकता, ठीक है? तो बहुत सल्यूट है उनको, और उनकी आत्मा को विनम्र पूर्वक उनकी आत्मा को शांति मिले। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मेंटेनेंस ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर के लिए ग्रीस के लिए रिक्वायरमेंट है, और ये जो ऑफिस है वो एशिया पावर के ऑफिस से आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है? और ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आप लोगों को, उतना ही आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टील फिक्सर बार बेंडर, यानी कि स्टील फिक्सर में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कंक्रीट लेबर हैं, शटरिंग कारपेंटर हैं, यही चार ट्रेड हैं। चार ट्रेड में आप लोग एशिया पावर की एजेंसी से ग्रीस के लिए अप्लाई करेंगे। ये जो अप्लाई करेंगे वो आप लोग चेन्नई से अप्लाई करेंगे ग्रीस के लिए। बाकी एशिया पावर की एजेंसी आप लोग मुंबई में, दिल्ली में, बड़ौदा में, केरला में और चेन्नई में देख सकते हैं। बाकी किसी जगह में इसकी ब्रांच नहीं है। अगर कोई लखनऊ में बताता है, कोई बिहार में बताता है, ये गलत है, ठीक है? बाकी पांच पांच जगह में, लगभग बड़ौदा में, केरला में, चेन्नई में, दिल्ली में और मुंबई में ये ब्रांच है, ठीक है? बाकी के एजेंसी में आप लोगों को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बताए जाएंगे, लेकिन एशिया पावर के एजेंसी में एडवांस के तौर पे 50,000 के एडवांस लगते हैं। बाकी और भी लोग हैं जो लोग बाकी ऑफिस से अप्लाई किए हैं, तो वो मैं बता दूं आप लोग कि वो दूसरा ऑफिस है, यानी कि वो सिर्फ यूरोप का ही ऑफिस है। वहाँ पे चार्जेस एडवांस के लिए भी 2 लाख पे करने होते हैं, तभी वो आपको आपका वर्क परमिट अप्लाई करती हैं। बाकी आप लोग की मर्जी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो जेन्युइन जेन्युइन चीज़ें हैं, जो भी ऑफिस की जो रूल्स है, जो उनका सिस्टम है, वही मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ। एशिया पावर का एजेंसी से आप लोग अप्लाई करेंगे इस ग्रीस के लिए, तो हो सकता है आपको एडवांस के तौर पे, जब तक आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते हैं, आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते हैं, आप सेलेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको अगर ऑफर लेटर आते हैं, उसके बाद आपके आपके लिए 50,000 का एडवांस ये लोग बोलेंगे, उसके पहले कोई एडवांस नहीं होते हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं है। बाकी जो भी भाई ग्रीस के लिए बाकी ऑफिस से अगर 4 लाख, 5 लाख लेकर के दे करके जाते हूँ, तो इसमें मैं बता दूं कि ये जो एशिया पावर की एजेंसी है, इसमें आप 3.5 लाख से 4 लाख के बीच जा सकते हैं, यानी कि इसी के बीच में आपका जो भी चार्जेस होगा, ठीक है? तो बहुत कम चार्जेस में आप ग्रीस के लिए अप्लाई इसमें कर सकते हैं, हालांकि इसमें सैलरी भी बहुत कम है। जो सैलरी है जो ट्रेड में, वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तभी इसमें अप्लाई करें। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप लास्ट तक एफोर्ड कर सकते हैं। मान के चलिए कि किसी ऑफिस में आपने अप्लाई किए हुए हैं, तो सबसे पहले उसमें देख समझ लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद जब अप्लाई करना है तो लास्ट तक रुकिए। कोई भी भाई ये नहीं कि जैसे मान के चलिए आपका ऑफर लेटर निकल गया, या आपका एग्रीमेंट पेपर निकल गया, या आपका अप्लाई किए हुए कुछ दिन हो गए और आपका अप्लाई हो गया, और उसके बाद से बोलेंगे कि मेरा अप्लाई नहीं करना है, हमें पैसे वापस चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है? कोई भी एजेंसी के द्वारा, क्योंकि वो भी पैसे पे करके और आपका अप्लाई करती है। तो कोई भी ऑफिस में आप लोग अप्लाई करें, तो चाहे बेशक उसके पहले आप लोग चेक कर सकते हैं, जेन्युइन जगह हो तभी अप्लाई करें। और उस ऑफिस का जो नियम है, जो कायदा कानून है, उसके साथ उसके हिसाब से चलें, ठीक है? क्योंकि आपके लिए, एक आदमी के लिए वो अपना नियम नहीं बदलेगी, ठीक है? तो ये चीजें हैं। अब एशिया पावर के जो नियम है वो अलग हैं, बाकी ऑफिस के जो नियम है वो अलग हैं, ठीक है?
तो काफी भाई हैं अलग अलग तरीके के, देखेंगे समझेंगे। इसमें जो है सेटरिंग कारपेंटर है, इनका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम 2 साल। अगर कोई भाई ऐसे हैं जो 2 साल गल्फ में रहे हैं, 2 साल उन्होंने काम किया हुआ है जिस ट्रेड में, यानी कि स्टील फ्यूचर में या सेटरिंग कारपेंटर में आप 2 साल रहे हैं, 2 साल का आपका वीजा लगा हुआ है, तभी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे, तभी आप लोग एशिया पावर में अप्लाई करेंगे। और एशिया पावर की एजेंसी में सबसे ज़्यादा, यानी कि एशिया पावर की जो मेन ब्रांच है वो मुंबई में है, और मुंबई से ही सबसे ज़्यादातर रिक्वायरमेंट निकलती है, लेकिन बाकी ब्रांच जो चेन्नई में है यहाँ से भी बहुत सारे लोगों का हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आई है वो चेन्नई की एशिया पावर की एजेंसी चेन्नई में आई हुई है, यहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ से आप लोग ग्रीस के लिए जा सकते हैं। बाकी ग्रीस के लिए आप लोग और भी ब्रांचों से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आई है वो चेन्नई में आई है, चेन्नई से आप लोग अप्लाई करके जाएंगे, ठीक है, एशिया पावर की एजेंसी में। और बाकी जिन भाइयों को अच्छा लगता है, विश्वास रहते हैं या आना चाहते हैं या जो भी डाउट हैं वो क्लियर करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने आप लोग पहले से जानते हैं एशिया पावर की एजेंसी में आए हैं, देखे हैं, समझे हैं, तो आप लोग खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो बाकी मेरे नंबर पे भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट भेज करके अप्लाई करा सकते हैं। बाकी मैंने कंक्रीट लेबर को भी बताएं, स्टील फिक्सर को भी बताएं, जो भी इसमें ट्रेड दिया हुआ है, यानी कि स्टील फिक्सर का, कंक्रीट लेबर का, सेटरिंग कारपेंटर का और क्रेन ऑपरेटर का, ठीक है, इन सभी भाइयों का जो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 2 साल का गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके पहले मैं काफ़ी लोगों का इसमें ट्राई किया, ठीक है, लेकिन क्लाइंट साफ मना कर दिए कि फ्रेशर लोगों का नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप 3.5 के जगह पे 4 लाख भी देते हैं तो भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए जो जेन्युइन चीज़ें वही हो। सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए। तो दोस्तों जो भी इसमें सैलरी दिया हुआ है वो 700 से लेकर के 750 के बीच में है, यानी कि 720, 730 या 750, यही इसमें सैलरी आपको मिलेगा। इस सैलरी में अगर आप सक्षम हैं जा सकते हैं, 4 लाख के अंदर का सर्वे चार्जेस है यूरोप कंट्री में। और ये है कि जेन्युइन तरीके से आप लोग अगर अप्लाई हो गया, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है और आपका PCC क्लियरेंस है और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस गल्फ का है तो इसमें अप्लाई आपका हो जाएगा, जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पुलिस क्लियरेंस नहीं है सही, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सही नहीं है, अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा, ऑफिस से आपको टेस्ट होंगे, क्लाइंट आपको मोबाइल से पूछेंगे, ठीक है, यहाँ तक आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका काम जेन्युइन होना चाहिए। आप फ़ोन पर भी बात करते हैं तो कम से कम आपको उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं आपको बता उनको क्लाइंट को, जो ग्रीस के क्लाइंट हैं उनको बता सकें, समझा सकें, ठीक है, या आप अपने बारे में बता सकें और आपका अप्लाई हो सके। जेन्युइन तरीके से अगर आप इसमें अप्लाई हो जाता है या हो सकता है तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो आपका काम, आपका जेन्युइन, आपका डॉक्यूमेंट, आपका एक्सपीरियंस सही होना चाहिए। तो जो भी इसमें चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी जिनको जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं नंबर पे कॉल कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, या आप अगर एशिया पावर से जुड़े हैं, अगर पहले से 2 साल पहले से या 4 साल पहले से, तो अगर आप लोग जहाँ से भी हैं पता करके जाके अप्लाई कर सकते हैं ग्रीस के लिए, ठीक है। बाकी गल्फ के लिए तो बहुत सारी जगह का है, गल्फ के लिए भी आप लोग इंक्लाइंट इंटरव्यू दे सकते हैं, तो हर जगह के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहीं के लिए, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, कहीं के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आए हो, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी भाई देख सके, जान सके, समझ सके, ठीक है। और मैं एशिया पावर का कभी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के हेल्प के माध्यम से मैं बता सकता हूँ, ठीक है, आप लोग के हेल्प हो जाएं, आप लोग किसी दूसरे जगह से बेटर एशिया पावर के एजेंसी में आकर के अपना अप्लाई करें या जेन्युइन तरीके से जा सके, ठीक है। बाकी कोई चीज़ का लालच हमें नहीं है, ना ही हम एशिया पावर की एजेंसी को प्रचार कर रहे हैं, ना ही वो उसका एड चला रहे हैं, ना ही वो हमें पैसे देती है वीडियोज़ बनाने का या प्रचार करने का, और ये शौक भी नहीं है, ठीक है।
तो जो भी आपका डाउट है मैं पहले ही क्लियर कर दिया, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।